गरीबों का जालसाज, न्यायालय में करता है घोटाला, कई मामले दर्ज, 55 दावे जारी, कलयुग का द्वार है, औरों की संपत्ति हड़पना इसमें आम बात है, लेकिन बेहद कमजोर और गरीब तबके के लोगों को सताने वाले को सजा जरूर मिलती है। ऐसे ही दर्जनों गरीबों की संपत्ति हड़पने वाले गिरोह का पर्दाफाश नागपुर में हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खबर में। नमस्कार दोस्तों, एक दो नहीं बल्कि कई लोगों के साथ सिर्फ जालसाजी नहीं बल्कि न्यायालयीन जालसाजी कर उनकी संपत्ति लूटी है। इस सारे गिरोह के सरदार के तौर पर नाम सामने आया जगदीश प्रसाद जायसवाल का, जो खुद 10 में 3 बार फेल हो चुका है, लेकिन अपने शातिर दिमाग के बल पर तकरीबन 200 करोड़ की अलग अलग संपत्ति हथिया चुका है। इस पूरे मामलों के दस्तावेजों में उसकी पत्नी ममता जायसवाल का नाम भी शामिल है। किसी भी दावेदार को न्यायालय में ढूंढना, उससे मीठी बातें कर उसकी संपत्ति उसे वापस दिलाने का वादा करना, फिर उसे न्यायालयीन दस्तावेज के नाम कई जगह हस्ताक्षर करा लेना, साथ ही कोरे स्टैंप पर भी हस्ताक्षर ले लेना, ये है पैटर्न उस जालसाज का। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। म्हणजे कोर्टाचे बाबू किंवा वकील जज माझ्या संपर्कात राहतात अशा प्रकारचे बोलून तो लोकांचे कागदपत्र घेतो, त्याच्यावर काही सह्या करून घेतो त्यांच्या, आणि त्यानंतर मग तो केस लढतो आणि काही दिवसानंतर जेव्हा केस तो जिंकतो तेव्हा तो त्या लोकांना सांगून देतो की आपण केस हरलेलो आहे, आणि त्याच्यानंतर जे त्यांनी स्टॅम्प पेपरवर सह्या घेतलेल्या असतात त्याच्यावर तो ॲग्रीमेंट बनवून त्यांच्यावरच केस टाकून देतो की ही प्रॉपर्टी माझी आहे आणि ही मला परत देत नाही म्हणून, ही त्याची कार्यप्रणाली आहे। तर याचे असे आजपर्यंत म्हणजे आम्ही जे काढले त्याच्यात 55 त्याच्यावर गुन्हे दाखल आहे, 55 गुन्हे दाखल आहे आणि हे कोर्टात केस सुरू आहे आणि सर्व केसेस एकसारख्याच आहेत। केस लढा भी जाता है, जीता भी जाता है और जायसवाल गिरोह के नाम वह जमीन भी हो जाती है, लेकिन असली दावेदार को एक नोटिस या जानकारी तक नहीं मिल पाती और गरीब दावेदार तड़पता रह जाता है। पर ईश्वर का न्याय है, तुलसी आह गरीब की कभू न खाली जाए, मरे चाम के स्वास से लोह भस्म हो जाए। जगदीश जायसवाल तथा कोर्ट में छिपे हुए उसके गिरोह की जानकारी एक शख्स को लगी, एक के बाद एक 5 मामले इसके खिलाफ अलग अलग थानों में दर्ज हुए और जो सामने आया वह चौंकाने वाला था। तकरीबन 200 करोड़ की संपत्ति पर दावेदार जायसवाल और उसकी पत्नी ममता जायसवाल ही है। साथ ही इस घोटाले में जो सीधे तौर पर न्यायालय परिसर से जुड़ा है उसमें और कौन शामिल है, यह सामने आना बाकी है। हाल ही में हुई शिकायत पर थाने के ACP गणेश बिराजदार ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया था। इतना बड़ा मामला उन्हें सिविल मैटर प्रतीत हुआ, लेकिन DCP के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज करना पड़ा। लेकिन दूसरे मामलों में भी पुलिस द्वारा लापरवाही दिखाई गई। मामला दर्ज हुए कई दिन हो चुके हैं लेकिन ये शातिर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसी कड़ी में इस जालसाज की हिम्मत देखने मिली, एक पीड़ित को किसी जज को 2 लाख रुपए देने की बात भी बेखौफ कर रहा है, मजलूम लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर उनके जीवन भर की संपत्ति हड़प कर उन्हें दुख में तड़पाने वाले ऐसे लोगों पर क्या कड़ी कार्रवाई होगी, ये सवाल समाज पूछ रहा है। साथ ही न्यायालय की सांख को खिलवाड़ बनाने वालों के खिलाफ क्या न्यायालय कोई कड़ा रुख अख्तियार करेगा, जो देखना दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए VL24 न्यूज़।